बड़ा अच्छा कार्यक्रम रखा गया और कहते हैं सजनों बताया कि नकदा नकदी दम्मा में के धोखा हो सरी कि नकदा नकदी दम्मा में के धोखा हो सरी और रोज राम ना पढ़िया करे कोई मौका हो सरी। कृपा से कहते हैं भक्तों कहते हैं कि जिंदगी को शोक मार जाते हैं और जिस्मों को रोग मार जाते हैं कि जिंदगी को शोक मार जाते हैं और जिस्मों को रोग मार जाते हैं। अरे झुंझुनू वालों हम कलाकार अपने आप कहां मरते हैं, हमें भी थारे जैसे भक्त लोग मार जाते हैं। भक्तों आइए कहते हैं कि बालाजी का दरबार लगा हो और इतने सुंदर सुंदर हमारे भक्त बैठे हैं, हमारी माताएं बहने बैठी हैं। एक बार हाँ जी इनमें सबसे सुंदर भक्त कौन सा है? ये तो है ही बढ़िया पर इनसे ज्यादा बढ़िया वो ताऊ बैठा है। क्या बात है जी, ताऊ काचे काटे है ना, राजी लीजिए। हेलो हेलो। और जितने भी मेरे भक्त बैठे हैं उनसे रिक्वेस्ट है, हालांकि ज्यादा फोर्स तो करने से रहे हम आपको आपकी जिसकी जितनी श्रद्धा है, एक बार दोनों हाथ उठा लो अपने पूरे पर, उठा लो दोनों इधर मेरी माताएं बहने, अरे तब भी उठा लो, तब तो नहीं बैठे जो बैंक लुटन आ रही वाले, दोनों हाथों पर उठा के बीच वाली तब भी उठा लो, बीच वाली अम्मा जी ओ लाल चुन्नी वाली अम्मा दोनों हाथों पर उठा बोल सच्ची दरबार की बालाजी महाराज की खाटू नरेश की आज की आनंद की। क्या बात है भक्तों की, बहुत बढ़िया। आइए एक दो भजन आइए कैसे जी। मिस्टर मुकेश भोजी बोलिए जी, अभी मैंने माताएं बहनों से अभी ज्यादा
भांगे वाला जयकारा नहीं लगवाया? तो ना लगवाई भी मैंने अपनी गड़बड़ लगी। क्यों? ओ ऐसा है, ऐसा मत समझे, ये मेरी झुंझुनू की शेर नहीं है, शेर नहीं। और ये झुंझुनू के शेर है सारे के सारे, बुढ़े शेर, जवान शेर, ये तेंदुए में बैठे आके देख दो चार। ये तेंदुए कंपनी में केंद्र से लागे हैं। और देख सबसे जहरीला तेंदुआ तो ये है, देख ये इसके बराबर वाला देख लेते, इसके बराबर वाला देख, यो तो चिट्टा है, चिट्टा खड़े भाई, चिट्टा भी इसका कलर देख, बैठे कितना खड़ा मानस है, अगर 9 महीने ज्यादा कोक में रह लेता तो कभी अफीम का गोला भर के निकलता। Bye.
जी अपने ईमान धर्म से अपने दिल से बताने की मजा आ रहा है नहीं यार, तो तालियां बंद नहीं होनी चाहिए सजनों, तालियां बंद भी नहीं हो रहा जी। Thank you.
और सजनों कहते हैं कि सभी कलाकार बड़ी दूर दूर से आए हैं आप लोगों का प्यार पाने, आपका मान सम्मान पाने के लिए। और कैसे कहते हैं कि जो भी बाबा के दरबार में चला जाता है सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से, बाबा कभी उसकी झोली खाली नहीं जाने देता। और कैसे ऐसा खेल रचाया है, we'll be right back.
हमारा कल्याण, बाबा जी मेरी नाचे हैं, बाबा का गुणगान करे हैं, थारे भी जीसा आवे है। नुस
सोचा है ना, छोरियां हमें हैं और बढ़िया बढ़िया नाच के जाती हैं। ऐसी बात नहीं कि इनपे नाचना नहीं आता, इनपे नाचना आता है पर ये शर्मा जाती हैं। और कैसे नाचती हैं? अच्छा ये बताओ, किस किस ने हमारी माता बहनों का डांस देखा है? किस किस ने देखा है? ताऊ भी कह रहा वो ताऊ तूने भी देखा है, तूने भी अपने जमाने में खूब आनंद लिए होंगे। आइए किस प्रकार से हमारी माता, चलो एक बार मास्टर रुक जाओ, कोई बात नहीं भाई, जिसने हमारी माताएं बहनों का नाच देखा है ठीक है, और जिसने नहीं देखा मैं दिखाते चलती हूँ कि हमारी माताएं बहनें कैसे नाचती हैं। बताओ कैसे नाचती हैं? घर में जाएंगी, कमरे में घुसेंगी, कमरे की लगाएंगी कुंडी, और कुंडी लगाने के बाद फिर नाचती हैं। और बता दो कैसे नाचती हैं? बात अच्छी लगे और अच्छी, ये मुंह बंद कर लेता हूँ, मुंह में मक्खी घुस जाएगी। हाँ आई कैसे नाचती है? Thank you.
परंतु सजनों उनकी भी मन की बात मन में ही रह गई और क्या बता दिया। Thank you.
चाहिए, कभी अपने अंदर मैं नहीं लानी चाहिए, क्योंकि जिस मानस के पितर घमंड आ जाए तेरे सजनों, वो इंसान शिखर पे चढ़ता हुआ भी धूल में मिल जाता है। सजनों बड़े बुजुर्ग कहा करे, एक कहावत भी है कि घमंड तो राजा रावण का भी नहीं रहा, इंसान को कभी घमंड नहीं करना चाहिए। सजनों रावण ने भी कुछ सोचा था, पर उसको भी उसका घमंड ले गया, उसका घमंड चूर चूर कर हो गया, और दूसरी बात में के लिख दिया और के बता दिया मास्टर जी। चरत भरत की माता ने वो पहलों भी बुलाए।
लाल का दिया न सोटा खोटे वचन सोटा Thank you.
Thank you.